করোনা আক্রান্ত ও কোয়ারেন্টাইনে থাকা পরিবারদের জন্য খাদ্য সামগ্রী আসানসোল পৌরসভা। আসানসোল এলাকায় যে সকল করোনা আক্রান্ত পরিবার আছে এবং তাদের সঙ্গে আশেপাশে যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে তাদের পরিবারের যে কোনো খাওয়া দাওয়ার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই দিকে নজর দিল আসানসোল পৌরসভা। এই কারণে আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে 10 কেজি চাল ও 5 কেজি আলু দেওয়া হলো প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে। আর কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে সেই কথা মাথায় রেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল আসানসোল পৌরসভা। আসানসোলের মহানাগরিক এবং এটিএম থেকে দাঁড়িয়ে থেকে খাদ্য সামগ্রী বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে থাকে। हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन इलाके में जहाँ जहाँ कोविड पेशेंट मिले थे वहाँ उनके संपर्क में जो लोग आए थे या जो संपर्क में आ सकते हैं ऐसा संदेश इनके ऊपर हम लोगों को था, उनको हम लोगों ने हाउस क्वारंटाइन में रखा है और उन्हें निवेदन किया गया कि आप घरों से बाहर ना निकलें और वो प्रशासन की बात को मिलकर मानकर घर में ही रह रहे हैं। लेकिन घर में उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, खाने पीने की किल्लत ना हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से आज हर फैमिली में 15 किलो चावल और 5 किलो आलू पहुँचाया जा रहा है उनके घर में। इसके साथ साथ और भी यदि कोई उनको समस्या हो, उनके लाइफ में और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा जो यहाँ पर नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इसमें वो संपर्क करें। उनको और भी जिस चीज़ों की ज़रूरत होगी हमारे लेवल से जो हो सकेगा हम लोग उनके घर पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ हर इलाके में हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, हमारे ICDS के जो वर्कर हैं, ये घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रहे हैं कि किसी को बुखार है कि नहीं, किसी को खांसी है कि नहीं, किसी को जुकाम है कि नहीं। यदि ऐसा केस मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, डॉक्टर से उनको दवाई दिलवाना, या यदि कुछ ज़्यादा कुछ हमको ख़राब लगता है तो फिर बेटर जगह में उनका ट्रीटमेंट कराना या और जो टेस्ट वगैरह है ये कराना, ये काम हम लोग कर रहे हैं। मेरी आसनसोल की जनता से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे हेल्थ वर्कर या ICDS कर्मी जब आपके पास जा रहे हैं तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें, आप अपना जाँच कराएँ। एक बार जब आपका जाँच हो जाता है और ये पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है और इससे हम कोविड के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, राज्य की मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को और हम लोग मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। मेरी एक बार फिर यहाँ के जनता से निवेदन है कि आप इसमें हमारे हेल्थ वर्कर का, हमारे ICDS कर्मियों का और भी हमारे जो लोग भी हैं उनके साथ सहयोगिता करें। धन्यवाद। आसनसोल से सौमित्र गांगुली, टाइम्स बांग्ला।